यूएन हेडक्वार्टर यूएनजीए मीटिंग के लिए पूरी तरीके से तैयार है। सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। गेट नंबर 46 से मीडिया के एंट्री की जाएगी और डेलीगेट्स के आने के लिए 1, 2, 3 और 4 नंबर गेट से व्यवस्था की गई है। सुरक्षा इस कदर तैनात कर दी गई है कि हवाई मार्ग से अभी से इसकी निगरानी की जा रही है। 24 घंटे हवाई सुरक्षा में लगे लोग इस बात की निगरानी करेंगे कि यहाँ पे कोई ऐसे ड्रोन या कोई ऐसे हवाई जहाज यहाँ ना आए जिससे किसी पे सुरक्षा का खतरा हो। जाहिर सी बात है कि विश्व शक्ति नरेंद्र मोदी और जो बिडेन जब इस बैठक में शामिल होंगे तो निश्चित तौर पे ऐसे सवाल बहुत सारे उठेंगे जिसमें सुरक्षा पे चर्चा होगी, साथ साथ इस बात पे भी चर्चा होगी कि पूरे विश्व का विकास कैसे हो सके। यूएनजीए में भारत का प्रतिनिधित्व इस बार विदेश मंत्री जयशंकर करेंगे। नरेंद्र मोदी जी उससे पहले यूएस में आकर इंडियन डायस्पोरा को संबोधित करेंगे जिसमें ये चर्चा होगी कि ग्रो विद यूएस, मोदी एंड यूएस, इस पे जोर दिया जाएगा और चर्चा ये की जाएगी कि भारत के गौरव को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा भारतीय लोग जो अमेरिका में रहते हैं वो अपना योगदान करें और साथ साथ इस बात पे भी ध्यान दें कि भारत में जाके किस तरीके से निवेश किया जा सकता है और निवेश करने के साथ साथ भारत को कैसे विकसित देश के कतार में ला के शामिल किया जा सकता है। सुरक्षा चाक चौबंद रहेगी। ये यहाँ पे मैंने जब अधिकारियों से बात की तो कहा कि ये रास्ता जो है पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा और बंद करने के साथ साथ इसके ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि यही मार्ग है जिसे जो बिडेन और नरेंद्र मोदी की एंट्री होगी और इसी गेट से उनको स्वागत किया जाएगा और स्वागत करने के साथ साथ इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि बाकी देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो यहाँ से आए तो उन्हें आने जाने में या सुरक्षा के लिहाज से कोई परेशानी न हो। न्यूयॉर्क स्थित यूएन हेडक्वार्टर क्वाड की मीटिंग के लिए पूरी तरीके से तैयार है। सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है और जैसा पहले से चर्चा की जा रही है कि इस मीटिंग में नरेंद्र मोदी, जो बिडेन, ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रतिनिधि जब एक साथ बैठेंगे तो चर्चा लेबनान के पेजर अटैक की भी होगी। क्वाड की बैठक से पहले इस बात पर गहन चर्चा की गई कि कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मानव के नाश करने के लिए किया जा रहा है। पेजर अटैक से पूरा देश स्तब्ध है, पूरा विश्व स्तब्ध है। ऐसे में चर्चा आतंकवाद की भी होगी कि आतंकवाद को कैसे रोका जाए। क्वाडी एंगुलर सिक्योरिटी डायलॉग क्वाद, वैसे तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैसे बिजनेस को बढ़ावा दिया जाए, कैसे मूवमेंट को और सरल बनाया जाए, उस पर चर्चा होगी। लेकिन इस बैठक में इस बात पर भी चर्चा होगी कि पूरे विश्व में शांति स्थापित करने के लिए आतंकवाद को कर्व करने के और क्या क्या तरीके हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी और जो बिडेन जब इसमें बैठेंगे तो आप समझ सकते हैं कि विश्व के दो महानायक एक साथ बैठेंगे तो कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। भारत के पास अगले क्वाद के मीटिंग की मेजबानी है। जाहिर सी बात है कि G20 की बैठक में भारत ने जैसे पूरे विश्व पे अपना धाक जमाया, क्वाद की मेजबानी करके भी भारत लोगों को और विश्व को ये बता देगा कि भारत में काफ़ी दम है। भारत, अगर आप चाहते हैं कि भारत विकसित हो तो आपको भारत के साथ मिलकर चलना पड़ेगा। आप भारत से कुछ सीख सकते हैं, भारत को डिक्टेट नहीं कर सकते। क्लाइमेट चेंज और कार्बन क्रेडिट एक ऐसी समस्या है जिससे पूरा विश्व परेशान है। गर्मी बहुत बढ़ गई है, सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है और बरसात की तो बात ही क्या। ऐसे में जब ये लोग, चारों देश के लोग बैठेंगे, जो बिडेन बैठेंगे, नरेंद्र मोदी बैठेंगे, तो इस बात पर भी चर्चा होगी कि कैसे कार्बन इमिशन को नियंत्रित किया जाए। मानव का जो बार बार गतिरोध बढ़ रहा है प्रकृति के नाश करने के लिए, उसके लिए एक व्यवस्था बनाई जाए और साथ साथ इस बात पर भी चर्चा हो कि आतंकवाद को समाप्त करने की दिशा में कौन कौन कैसे क्या मदद कर सकता है। यूएनजीए की मीटिंग में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मुख्य एजेंडा बनाया गया है। इस बैठक में इस बात पर चर्चा होगी कि पूरे विश्व का कैसे विकास हो। साथ साथ इसमें माल न्यूट्रिशन, ड्रग्स ट्रैफिकिंग, एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, आतंकवाद और किसी भी तरीके से न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोकने पर भी चर्चा होगी। जाहिर सी बात है कि हर साल होने वाले इस बैठक में एक मेंबर चुना जाता है। मेंबर चुनने के जाने के साथ साथ उसमें इस बात पे भी निर्णय होता है कि इसका अध्यक्ष कौन होगा और उसके बाद एजेंडा तय करने का अधिकार, कितना चर्चा होगा, कितने समय के लिए कौन चर्चा करेगा, किस देश को कितना समय मिलेगा, किसकी भूमिका क्या होगी, ये उसका अध्यक्ष तय करता है और जनरल सेक्रेटरी इसका संचालन करते हैं। यूएनजीए को भारत में बहुत महत्व दिया जाता है क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो विकसित होने की कगार पे है और बार बार आतंकवाद से जूझकर
यूएनजीए में यही कहता है कि उसका पड़ोसी राष्ट्र बार बार उसे किस तरीके से परेशान करता है। इस बार यूएनजीए को विदेश मंत्री जयशंकर संबोधित करेंगे, लेकिन उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री भारत डायस्पोरा के लोगों से मुलाकात करेंगे और यूएस एंड मोदी, ग्रो विद यूएसए, ग्रो विद मोदी, इस पर चर्चा की जाएगी। करीब एक सप्ताह तक चलने वाले इस बैठक में तमाम देशों के लोग जब आपस में बैठेंगे तो कार्बन फुटप्रिंट किस तरीके से, कार्बन फुटप्रिंट के साथ साथ वातावरण को कैसे संरक्षित किया जाए और जिस तरीके से फ्लोरा और फना का नुकसान हो रहा है उसको कैसे रोका जाए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक बड़ी तबाही है और उससे पूरा विश्व परेशान है। ग्लोबल वार्मिंग से विश्व परेशान है, आतंकवाद से परेशान है, उस पर भी चर्चा होगी। सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है, सारी तैयारी पूरी हो गई है, बस अब सिर्फ इंतजार है इस बात का कि यहाँ पे मेहमान आए, अपनी बात कहे और सार्थक नतीजे के साथ अपने अपने देश जाएं और उसको काफी खुले मन से लागू किया जाए। दिल्ली के पूर्व विधायक और ग्लोबल भारत ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर विजय जौली जी हमारे साथ हैं। इनको पार्टी ने मोदी जी के कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाने के लिए भेजा है। तमाम डेलीगेट्स को, तमाम जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं उनको इकट्ठा करके ये मैसेज देने की बात की जा रही है कि मोदी जी के साथ यूएस का भी विकास हो सकता है और यूएस के साथ भारत का विकास हो सकता है। विजय जौली जी, आप कब आए और क्या कार्यक्रम है? देखिए, मैं 3 दिन पूर्व अमेरिका की धरती में आया हूं और मैं भारतीय मूल के लोगों के साथ मिलकर 22 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा न्यूयॉर्क के अंदर एक बड़े सम्मेलन को ताली बजाकर, लोगों को उद्वेलित कर प्रधानमंत्री और भारत के प्रति उत्साहित कर और जो भारत के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बदलाव की लहर फैलाई है और जो दुनिया भर में जिसको वेलकम किया जाता है उसके पक्ष में अमेरिका पधारा। विजय जी, इसमें एजेंडा क्या है? मोदी जी भारतीय डायस्पोरा को संबोधित करेंगे तो मोदी जी एक अपने आप में एम्बेसडर हैं, वो तो ग्लोबल हैं, वो पूरे विश्व के एम्बेसडर हैं, तो इस बार एजेंडा क्या रहने वाला है जिसमें मोदी जी लोगों को संबोधित करेंगे और खास करके तब जब इलेक्शन भी है कुछ समय बाद? देखिए, हम तो भारत के स्वयंसेवक हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते और ग्लोबल भारत ब्रांड एम्बेसडर के नाते मैं दुनिया भर का दौरा करता हूं और दुनिया भर के अंदर जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व के प्रति उत्साह है और अमेरिका के अनेक प्रांतों के लोग इस 22 सितंबर के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, जिसके अंदर लोग बसों द्वारा भी आ रहे हैं, ट्रेन द्वारा भी आ रहे हैं, हवाई जहाज से भी आ रहे हैं और न्यूयॉर्क के इस कार्यक्रम में भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मॉडर्निटी के नाते, ग्लोबल डेवलपमेंट के नाते, दुनिया भर में भारत के बढ़ते हुए परचम को चीयर और क्लैप करने के नाते बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित होंगे। और आज भी 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद मोदी जी उसी प्रकार से भारतीय मूल के अमेरिका में रह रहे लोगों के लिए एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एप्रिसिएशन है, विकास पुरुष के नाते लोग उनको आज भी सुनने के लिए लालित हैं। कितने लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने के संभव? देखिए, 26,000 लोगों ने ऑनलाइन अपने रजिस्ट्रेशन कराए, जिनमें से 15,000 लोग इस 22 सितंबर के इस बड़े कार्यक्रम में उपस्थित होंगे, क्योंकि उतनी ही सीटें स्टेडियम के अंदर हैं, लेकिन हमारा अनुमान है जितने लोग अंदर होंगे उससे कहीं ज्यादा बाहर, और दुनिया भर से लोग टकटकी लगाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत का गुणगान करते, भारत के बढ़ते वैश्विक प्रतिनिधित्व को, भारत के नेतृत्व को देखेंगे भी, सुनेंगे भी और उससे प्रेरित भी होंगे। ये थे डॉक्टर विजय जौली जी, जिन्होंने कहा कि मोदी जी 10 साल प्रधानमंत्री रह चुके हैं लेकिन उनका क्रेज आज भी बरकरार है। 22 तारीख को
जब भारतीय मूल के लोगों को अमेरिका में संबोधित कर रहे होंगे तो जाहिर सी बात है कि भारत की शक्ति का अंदाजा अमेरिका में रह रहे इनके शासकों को भी हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट शरत बारिक के साथ कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस, न्यूयॉर्क। मोदी जी अमेरिका में आ रहे हैं और भारत में जन्मे यंग टर्क्स उनको सुनने ना आए और उनके बारे में कुछ जानने ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? ये कुछ भारतीय मूल के बच्चे हैं जो मोदी जी के लिए यहाँ पे टकटकी लगाए बैठे हैं। आप लोग यहाँ पे किस लिए आए? His opinions on the environment. I want to hear how Modi is going to come and how he's going to talk to world leaders and make a better India. What about the genocides which is going on here? I would want to see some action being taken, and I would like to see that women are being protected. Women are being protected, especially from a country where women does so much for our families, for our loved ones, for our brothers or sisters, our husbands, our children. So I think women are very essential, and it is everyone's job to protect us, and we just like we protect everyone else that we care about and who we know. So I like some of his policies. Like the way he talks, that's like the one of the things I like about him. But I would like to hear what he has
उन्हें क्या बोलना है इस कॉन्फ्रेंस पे. लाइक आई वुड लाइक टू हियर सम ऑफ हिज थॉट्स, सम ऑफ हिज आइडियाज. इट्स गोना बी लाइक इंटरेस्टिंग टू लिसन टू. Yeah, like his perspectives on like topics and issues would be really cool to listen to. Especially with the youth leaders coming in this year, it would be Modi's opinions would also be very, very influential on us. So we're very excited to hear that. It's been a great time for India, honestly. India has done a lot of major developments in a lot of different sectors, and I think under Modi's leadership, we've moved towards a brighter future. And I would like to see him come here and make some very, very good points that will not only help India but also the world. तो आपने सुना कि मोदी के जो समर्थक हैं वो सिर्फ भारत में ही नहीं, अमेरिका की धरती पे भी हैं. ये भारतीय मूल के बच्चे हैं और कहते हैं कि मोदी जी के प्रधानमंत्री के बनने के बाद जिस तरीके से भारत की साख पूरे देश में बढ़ी है, उससे ऐसा ही लगता है कि मोदी सिर्फ भारत के नहीं विश्व के नेता है. नासा कॉलोसियम में नरेंद्र मोदी जी का भारतीय समुदाय को उद्बोधन और उनके जो कर्ता धरता हैं, एक कर्ता धरता हैं पारेख साहब. पारेख साहब, क्या कार्यक्रम रखा गया है इस बार भारतीयों के? वेल एज यू नो के ये प्राइम मिनिस्टर सैटरडे को आ रहे हैं. पहले वो डेलावेयर जाएंगे, वहाँ क्वाड की मीटिंग है. प्रेसिडेंट बाइडेन, प्रेसिडेंट ऑफ द जापान एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया. इज अ क्वाड मीटिंग. इज अ क्वाड इज अनदर ग्रुप लाइक अ G20. And they are meeting on the Saturday afternoon, and then after that meeting, Honorable Prime Minister is coming to New York City in his hotel at about 10 p.m. And then, of course, a few NRIs will be receiving him, including all the different sector of the NRIs. Some students, some doctors, some engineers, and some businessmen, and so forth. And then Sunday morning, we have breakfast of the donors like me, breakfast with our Foreign Minister Jaishankarji, and then the Honorable Prime Minister wo aayenge 11:30 baje NASA Coliseum mein. Wahan hum log unko receive karenge, welcome karenge. Particularly the mainly the donors, and then बाद में वो 12:30 उनका speech शुरू होगी, and 1:30 तक वो speech चलेगी. And उसके पहले जब before उस prime minister आए उनके पहले cultural program होगा. वो cultural program क्या है? I think मोदी जी mainly the Indian diaspora को वो बताने चाहते हैं कि इंडिया इज प्रोग्रेसिंग वेरी वेल. इंडिया अभी फिफ्थ इकोनॉमी है और मोदी साहब को उसको थर्ड इकोनॉमी बनाना है विद इन नेक्स्ट 5 to 10 years. एंड जो इंडिया में जो विकास चल रहा है, इंडिया में जो विकास हो रहा है, तो मोदी साहब को दिखाना है क्या 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 हो रहा है, वो क्या लास्ट 10 साल में उन्होंने क्या क्या अचीव किया, और अभी नेक्स्ट 5 to 10 years में वो क्या क्या करना चाहते हैं, और उनको अपने देश को डेवलप कंट्री बनाना है 10 साल के बाद. गुजरात ओवरसीज के जो अध्यक्ष हैं सोमपुरा साहब. कृष्ण मोहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को अमेरिका से दिगंत सोमपुरा, विदेश संपर्क विभाग गुजरात से मैं आपका सभी का सम्मान स्वागत करता हूँ. कृष्ण मोहन जी, आपने जो अभी सवाल पूछा कि मोदी साहब जो यहाँ आ रहे हैं और भारतीय समुदाय को जो मिलने वाले हैं, उसके लिए जो माहौल जो यहाँ बना है, मैं खास अभी गुजरात से यहाँ इसी यही प्रसंग का एक साक्षी बनने के लिए मुझे यहाँ आने का जो मौका अवसर मिला है, उसके लिए मैं बहुत ही अभिभूत हूँ. मोदी साहब जब यहाँ अमेरिका आते हैं या दुनिया के कोई भी मुल्क में जाते हैं, प्रदेश में जाते हैं या देश में जाते हैं, तो उनका एक प्रभाव पूरे देश में अलग सा छा जाता है. उनके हर एक शब्द का अलग एक इम्पोर्टेंस बनता है. जबकि अभी यह जो अमेरिका में जो आ रहे हैं मोदी साहब, तो यहाँ मोदी साहब की यहाँ जो यूनाइटेड नेशंस में मीटिंग होगी, उसके बाद नासाउ काउंटी में 15,000 से भी ज़्यादा लोगों को वो संबोधित करने वाले हैं. जब वो संबोधित करेंगे तब उनको सुनने के लिए बहुत सारे लोग जो यहाँ प्रत्यक्ष उनको देखेंगे, साथ ही साथ उनको मीडिया अलग अलग मीडिया से भी उनको देखने वाले. उन्होंने उनका मुद्दा उनके पास ही होता है, वो हमारे तक पहुँचता नहीं है. वो 22 तारीख को ही सबको मालूम पड़ेगा. लेकिन यहाँ का जो प्रभाव है, मैं जो यहाँ के भारतीय लोगों का, इंडियन अमेरिकन समुदाय का जो मैं उनका उत्साह जो देख रहा हूँ,
वो काफी अलग हैं और काफी वो लोग इतने सारे खुश हैं कि मोदी साहब को सुनने के लिए बेताब हैं, और मोदी साहब जब आएंगे तब कुछ अलग संदेश की उनको जो अपेक्षा है उनमें भी वो लोग वो प्रभावित होने वाले हैं। भगत जी, आपने 14वें मेडिसन स्क्वायर में जो कार्यक्रम हुआ था उसमें भी अहम भूमिका निभाई, क्या लग रहा है कि 14 से अलग इस बार क्या बोलने वाले? थैंक यू वेरी मच आपकी टीम को यहाँ कवर करने के लिए। एज यूजुअल यूनाइटेड जो यूएनजीए का जो इवेंट होता है ये पूरी दुनिया को एक मैसेज यहाँ से जाता है। आपने अभी देखा होगा, अनुभव किया होगा, नरेंद्र भाई मोदी जी अभी रशिया गए थे, वहाँ के प्रेसिडेंट पुतिन से मिले, फिर बाद में जेलेंस्की के पास गए। भारत वैसे ही विश्व शांति समृद्धि स्पिरिचुअलिटी का एक हब है, एक कहने का मतलब है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पूरी दुनिया की नज़र रहती है। आज जो स्थिति विश्व में बनी हुई है उस स्थिति में पूरे विश्व की नज़र भारत के ऑनरेबल प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी पे है और भारत के उस संस्कृति पे है जो पूरे विश्व को अपना मानता है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। वही जो हमारी जो जिस तरह से यहाँ पे जिस इमोशन भावना के साथ नरेंद्र भाई जब यहाँ से जब डायस्पोरा को कहेंगे, मुझे लगता है कि ये अनुभव विश्व के 190 कंट्री की जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो उसको उससे अभिभूत होंगे और कुछ लेसन लेके जाएंगे और विश्व में शांति का पैगाम जो है, यही तो भारत का दौर है, यही तो अब आने वाला समय भारत का है। प्रधानमंत्री देश के हैं, ठीक है, आज नरेंद्र भाई हैं, कल कोई और हो सकते हैं। 10 साल से नरेंद्र भाई ने बहुत अच्छा काम किया है, आगे हम लोग यहाँ पे डायस्पोरा में और भी एक्साइटमेंट है। मैंने तो सुना है कि लोग योगी आदित्यनाथ जी के लिए भी इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे। अब एक आखिरी सवाल पारक साहब से, बड़ा अच्छा सवाल उन्होंने उठाया, क्योंकि अब लोग धीरे धीरे मोदी जी के बाद योगी जी को भी याद करने लगे। वो बात सच है, योगी जी भी वो अपने वो वेल डिजर्व्ड क्या बोलते हैं कि वो बहुत बड़े लीडर है, वो बहुत पॉपुलर भी है इंडिया में और इंडिया के बाहर भी, लॉट ऑफ NRI इंडियन डायस्पोरा में भी बहुत पॉपुलर है। तो योगी जी भी हो सकते हैं, अमित भाई भी हो सकते हैं और गडकरी भी हो सकते हैं। सो देखिए क्या होता है, पॉलिटिक्स तो आपको मालूम है, पॉलिटिक्स में सब रिवॉल्विंग, इट्स अनप्रडिक्टेबल होता है। तो ये आपने सुना जो आयोजक है बेसिकली जो इंडियन डायस्पोरा को मोदी जी संबोधित करेंगे उनके, और इसमें चर्चा अब योगी जी की भी होने लगी है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत की ताकत कितनी बढ़ रही है विश्व की धरती पे, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन और आगे उनसे बेस्ट या उनसे बेहतर कौन दे सकता है, उसकी चर्चा अभी से शुरू हो गई है और वो है योगी आदित्यनाथ। रात के 10 बजे है और भारत एक्सप्रेस की टीम मौजूद है न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पे, जहाँ के बारे में लोग कहते हैं कि यहाँ पे दिन हो या रात हो लोगों की हलचल लगातार जारी रहती है। भगत जी, ये टाइम स्क्वायर पे कभी कहते हैं कि रात नहीं होती है। बिल्कुल आपने सही कहा, ये 24/7 ये जगता जीता जाता अमेरिका का सबसे वाइब्रेंट प्लेस है जिसका नाम है टाइम स्क्वायर। यहाँ पे 31 दिसंबर को 500,000 से ज्यादा लोग खड़े होकर के नया साल सेलिब्रेट करते हैं और इसकी वाइब्रेंस इतनी ज्यादा, अगर यहाँ से किसी प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया जाए तो दुनिया में प्रोडक्ट राज करती है। आइए चलते हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं, बात करते हैं कि ये लोग कहाँ से आए हैं और ये यहाँ पे कितना, आप लोग कहाँ से आए? हम अहमदाबाद से हैं, इंडिया। यहाँ पे चल किस लिए आए? हम घूमने के लिए आए, ये टाइम स्क्वायर अच्छा लगा, यहाँ पर हमने लिबर्टी स्टैच्यू देखा, काफी अच्छा लगा यहाँ से। यहाँ का टेस्ट थोड़ा अलग है आइसक्रीम का और उसका, इसलिए वही से हम चीज हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे अभी। सो या इट्स रियली गुड, मतलब कुछ चीजें अच्छी है जैसे कि ट्रैफिक और वो सब का, इनका सिस्टम एक्चुअली बहुत अच्छा है। सो या दैट वे इट्स रियली फन टू बी हियर। ऑफ कोर्स वो तो हम बिलोंग तो वहीं से करते हैं, सो ऑफ कोर्स भारत तो बहुत ही अच्छा है। मैं अहमदाबाद से हूँ, इधर पढ़ रही हूँ, मैं खत्म किया पढ़ना, अभी मैं काम कर रही हूँ इधर बस। हाँ बस, अभी हम सब यहाँ पे मिले हैं तो अभी ऐसे ही।
देखते रहते हो यहीं से? हाँ, न्यूज भी देखते हैं हम, बस यहाँ पे बस ऐसे ही इंडिया में कैसे है कि हम रात को ऐसे खाना खाते हैं, सब लोग मिलते हैं, बस ऐसे ही अब सेम इधर है, सब लोग मिल रहे हैं। तो आप सुना कि ये बच्चे जो है अहमदाबाद से आए हैं और कह रहे हैं कि अब इंडिया भी कहीं पीछे नहीं है, हम वहाँ पे भी रात में घूमते हैं, खाना खाते हैं, टाइम स्क्वायर पे भी घूम रहे हैं, न्यूज भी देख रहे हैं और आइसक्रीम का आनंद भी ले रहे हैं। भारत से कुछ लोग आए हैं जो भारत के कोने कोने से आए हैं। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि आके इनसे बात करें कि आखिर यहाँ पे आए तो इनको क्या अलग दिखा। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग भारत से आए। भारत में कहाँ से? बिहार से। यहाँ पे किस लिए और क्या देख रहे? एक्चुअली हम यहाँ पे साइंटिस्ट हैं और एक्चुअली मैं 3 साल से लगातार रह रहा हूँ मैरीलैंड में। तो अभी हम एक न्यूयॉर्क कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आए थे कैंसर पे, तो हम सोचे न्यूयॉर्क का थोड़ा नाइट का देखा कैसा व्यू है क्या नहीं है, तो हम इस व्यू से यहाँ देखने आ गए कि कैसे लोग मस्त हैं काफी। ऑब्वियसली बात है लोग खुले में जीते हैं, अच्छे से जीते हैं, सो ये अच्छा लगा हमें काफी। अच्छा लगा मुझे भी, अच्छा लगा यहाँ खुल के सब जीते हैं और माहौल अच्छा है। भारत तो हमेशा से अच्छा है, उसका मुकाबला यहाँ कुछ भी नहीं है। हाँ यहाँ की वाइब्स अलग है, वहाँ की अलग है, बट मेरा भारत महान, उससे और इसको आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। जी नहीं नहीं वही यही बोल रहे थे एमडी, हमारा भारत महान है। जहाँ मेरा दिल लगे मेरा तो वही भारत है, तो मेरा परिवार यहाँ पे तो मेरा तो यही भारत है, ये जीवन तो मैं जीवन सब कोई। यहाँ भी माहौल अच्छा है, वहाँ भी इस वक्त बहुत अच्छा है, सब अच्छा है। पूरे पंजाब से एक फैमिली यहाँ पे आई हुई है। हम न्यूयॉर्क देखने आए हैं, ये टाइम स्क्वायर देख रहे हैं यहाँ पे। टाइम स्क्वायर पे क्या दिख रहा है? पहले तो हम यहाँ की पब्लिक को देख रहे हैं, यहाँ का जो लाइवलीनेस है वो देख रहे हैं, सिटी को एंजॉय कर रहे हैं। तो हमारा देश और पंजाब सबसे जिंदा दिल है। सबसे जिंदा दिल है सर, देश हमारा, भारत माता की जय। सबसे न्यारा। हम खूब एंजॉय कर रहे हैं टाइम स्क्वायर पे, यहाँ के लोग, यहाँ की चकाचौन, लाइट, सब कुछ, लॉट ऑफ फन। जी आपने क्या यहाँ पे अनोखा देखा? अनोखा सब अनोखा ही है सर, इतनी सारी लाइट है, चमाचक चल रहा है यहाँ पे, इट्स वेरी रेयर। देखो भारत में तो हर चीज अच्छी ही है, बट ये थोड़ा डिफरेंट लुक दिख रहा है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे बहुत सारी चीजें अभी आप देख रहे हो कैसा, ये आई डोंट थिंक सो ये लुक कहीं हमने देखा, इट्स डिफरेंट। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर यहाँ से जाके कुछ सीख लेके अपने की बात हो तो क्या कहेंगे? भारत में हम यही सिखाएंगे या जो है हमारे वहाँ पे, बस क्लीननेस रखना हमारे को, जैसे हमारे पीएम सर भी बोल रहे हैं मोदी जी के स्वच्छ भारत रखना है। यहाँ पे काफी चीजें आप देखोगे, स्ट्रीट्स वगैरह क्लीन है, सो वी हैव टू वर्क ऑन दैट। आप कुछ कह रहे हैं क्लीननेस के बारे में? क्लीननेस बता रही हूँ मैं, यहाँ का ट्रेडिशन बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता है क्या क्या बेसिक चीजें हैं, तो हमारी गवर्नमेंट को भी उसका ध्यान रखना चाहिए और पब्लिक को वो सपोर्ट करना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट शरत बारिक के साथ कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस, न्यूयॉर्क।